यानी कि वृष राशि, जिनका भी जन्म हुआ है 14th ऑफ मई से लेकर 14th ऑफ जून के बीच में, ऐसे तमाम जातकों के जो सूर्य है ये वृष राशि के अंदर होंगे, और जिनके जन्म के चंद्र है वृष राशि में, इनको भी ये प्रेडिक्शन असर करने वाला है। और जिनका जन्म का लग्न भी टॉरस है, वृष राशि का है, ये जातकों को भी इसका असर होने वाला है। तो समझते हैं आज के इस प्रेडिक्शन में, मूल के जैसी शक्तिशाली राशि वृष राशि के लिए मई 2024 क्या परिणाम लेकर आया है। श्री गणेश और डियर फ्रेंड, आप सबकी कुशलता चाहते हैं, और जब जब भी बात करनी होती है वृष राशि की, तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। शुक्र जो कि 19 मई तक 19th ऑफ मई तक राशि से 12वें स्थान में है, विच इज मेकिंग सम टाइम ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अभाव करेंगे। और शुक्र का जो ये भ्रमण है मेष राशि के अंदर, ये कब से चालू होता है वो भी आपको बता देते, क्योंकि ये प्रेडिक्शन मई 2024 का है, मई 2024 का है। तो अप्रैल में शुक्र शायद मीन राशि में चलेंगे। अभी शुक्र जो है आज प्रेडिक्शन कर रहे हैं 29th मार्च को, तो शुक्र अभी जो है ये मीन राशि में आने वाले हैं 31st मार्च को, और 24th ऑफ अप्रैल को शुक्र मेष में चलेंगे 24 अप्रैल से शुक्र 12वें स्थान में चलेंगे 19th ऑफ मई तक। तो विच इज मेक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अभाव करेंगे। हालांकि इसके इम्पैक्ट में आप सबके खर्चे बढ़ने वाले हैं, एक्सपेंसेस विल बी बिकम वेरी हाई, और ये एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके लग्जरियस एक्सपेंसेस होंगे, लाइक ए होटल मोटल रेस्टोरेंट्स इत्यादि के अंदर, कपड़ों के अंदर, परफ्यूम्स, महोत्सव की चीज वस्तुओं में आपका जो ये खर्च बढ़ने वाला है। 19th ऑफ मई को शुक्र आपकी राशि में आने वाले हैं, तो ये शुक्र ट्रांजिट फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, विल गिव यू सक्सेस इन लव मैटर। 12वें स्थान में भी शुक्र का फल शुभ है, सक्सेस इन लव मैटर, एज वेल एज 19th मई से शुक्र आपकी राशि के अंदर चलेंगे जो 12 जून तक चलेंगे, तो ये ट्रांजिट सक्सेस इन लव मैटर ऐसा कह सकते हैं। अविवाहित जातकों का एंगेजमेंट इत्यादि भी हो सकता है, और खुशियाँ आपकी बढ़ाने वाले हैं। प्रेडिक्शन में बात करेंगे मेन एनर्जी ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में, तो सूर्य का भी ट्रांजिट जो है ये 14th ऑफ मई तक आपकी राशि से 12वें स्थान में है। उच्च के सूर्य अनकम्फर्ट जोन के अंदर आपको रखेंगे, यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट ऑल्सो, और गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी मैटर आती है तो उसमें भी केयर करना होगा। 14th ऑफ मई को सूर्य जो है वो चलेंगे आपकी राशि के अंदर। वृष राशि के अंदर चलने वाले सूर्य आपके हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, जरूर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुक्र जो सूर्य है आपकी राशि से चौथे स्थान के मालिक होकर आपके राशि के अंदर पड़ते हैं, जिसके इम्पैक्ट में आपका मकान वाहन सुख, माता का सुख, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। तो आप कुछ नया मकान भी ले सकते हैं, वाहन भी ले सकते हैं, नई जगह पे आपको रहने का भी, नए घर में जाने का भी कुछ मौका मिल सकता है। तो 14th ऑफ मई के बाद जो सूर्य आपकी राशि के अंदर चलेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन, प्लेस चेंज का भी बनता है, रहने की जगह चेंज करनी पड़े,
और जो भी चेंजेस होगा वो बेटर चेंज होगा, क्योंकि आपकी राशि के अंदर सूर्य है, तो एक प्रकार से राजसिक फीलिंग करवाने वाला जो समय होगा, आने वाला समय जो है, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, तो ऐसा कोई भी जो कार्य है वो आपको अच्छे तरीके से ही बनेगा आपका कार्य, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल का जो ट्रांजिट है ये मीन राशि के अंदर है, तो मंगल भी आपके लिए 11वें स्थान के अंदर है, राहु और बुध के साथ है, जिसके इम्पैक्ट में खास करके आपको अपने मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा। और राहु जो कि लाभ स्थान में है, तो फ्रेंड सर्कल आपका काफ़ी अच्छा बनने वाला है, मित्रों से लाभ रहने वाला है। हालांकि राहु का नक्षत्र जो रेवती है, ये हु आर बॉर्न इन कृतिका, जिनका भी वृष राशि में कृतिका नक्षत्र है, ये जातकों के लिए वध नक्षत्र में है, लेकिन रोहिणी के लिए एक्सीलेंट फल होगा। जिनका भी जन्म का सूर्य रोहिणी है, चंद्र रोहिणी है, ये जातक ग्रैंड सक्सेस जोन के अंदर रहेंगे। और मृगशिरा के लिए राहु प्रत्यारी नक्षत्र में है, तो मित्रों के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है। शनि नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, 16 अप्रैल को शनि पूर्व भाद्रपद चलेंगे, तो ये ट्रांजिट भी मेष वृषभ कृतिका के लिए ठीक नहीं है, रोहिणी के लिए एक्सेलेंट फल है, मृगशिरा के लिए भी इतना फल ठीक नहीं है। तो शनि का ट्रांजिट वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में, जिनका जन्म का लग्न है चंद्र है रोहिणी में या सूर्य रोहिणी में है, ये तमाम जातकों को शनि शुभ फल देने वाले हैं। बिजनेस कारोबार आपका बढ़ने वाला है। और गुरु भी कृतिका नक्षत्र में है, तो रोहिणी के लिए अति मित्र नक्षत्र है, एक्सीलेंट फल रहेगा। मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्य आप बनेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, मकान वाहन से लाभ भी रहेगा, और कुछ न कुछ सुख सुविधा के साधन में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो केतु ग्रह पंचम स्थान में है, जो खास करके वृष में कृतिका में जिनका जन्म है कृतिका नक्षत्र में, ये जातकों के लिए केतु एक्सेलेंट फल देने वाला है। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, सारांश क्या रहेगा इस मंथ का, कि 14th of May तक सूर्य 12वें स्थान में है, मेन एनर्जी 12वें स्थान में, जिसके इम्पैक्ट में आप सबको अपने आँखों का हेल्थ का केयर करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना है, अन्यथा आने वाला समय आपका शुभ है, राजयोग कारक है। वृष राशि वाले आपके कोई मित्र हैं, इनको ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।